Hello, my dear kids. How are you all? Welcome back. I am Vandana, and we are learning mathematics together by Brain Root series. Here, this is a book, and the name of your book is Mathematics Whirlwinds, and this is Primer. Today, we will do the first chapter, and the name is Differentiation.

और कौन सा एनिमल स्मॉल है तो बेग स्मॉल तो यहां पे आपको दिख रहा है ना एलिफेंट कितना बड़ा है सो बेग एंड यहां पे माउस कितना छोटा है सो स्मॉल सो द एलिफेंट इज बेग एंड द माउस इज स्मॉल नाउ लेट्स प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्न सो व्हाट यू हैव हैव टू टू डू यू टेक द बिग एंड क्रॉस द स्मॉल ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है बड़े ऑब्जेक्ट को टिक करना है स्मॉल को क्रॉस करना है सो so यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें एक जग है और दूसरा है ग्लास तो आप पानी पीते हैं ना तो जग में मम्मी क्या करती बहुत सारा पानी लेके जाती हैं और ग्लास में तो ओनली वन ग्लास ही आता है तो आप बताओ Which one is bigger? कौन सा बिग है जग या फिर ग्लास विच वन इज बिग तो जो बिग है उस पर हम करेंगे टिक मार और जो स्मॉल है उसे करेंगे क्रॉस तो चलिए जल्दी से देखते हैं जग इज बेग वो बड़ा होता है एंड जो ग्लास होता है वो होता है स्मॉल so क्रॉस इट नेक्स्ट पिक्चर है जहां पे पिक्चर है एक वॉटरमेलन की सबको खाना अच्छा लगता है ना एंड जो दूसरी पिक्चर है वो है एक एप्पल की तो जब पापा लेके आते हैं तो आप बताओ आपने देखा होगा ना विच वन इज बिग वॉटरमेलन या फिर एप्पल विच वन इज बिग सो वॉटर मेलन इज बेग एंड ये जो एप्पल है वो है स्मॉल एक एप्पल छोटा सा नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे एक बस है और एक बाइसिकल है तो बताइए विच वन इज बिग बस या फिर बाइसिकल कौन सा ज्यादा बड़ा है बस में तो बहुत सारे लोग बैठते हैं मीन्स वो बड़ा है सो लेट्स इट साइकिल पे आप और आपका फ्रेंड ही बैठ सकता है तो ये है स्मॉल स्मॉल को क्रॉस करेंगे अगेन हियर यू कैन सी इज एन ऑस्ट्रिच एंड अ बर्ड ऑस्ट्रिच आपने देखा है कितना बड़ा होता है बहुत बड़ा होता है सो so ऑस्ट्रिच है बिग आगे जो बर्ड है छोटी सी बर्ड हमारे घर में आती है पानी पी के जाती है ये है स्मॉल तो इसे करते हैं क्रॉस सो हियर व्हाट वी हैव लर्न वी हैव लर्न द ऑब्जेक्ट्स दैट आर बिग एंड स्मॉल बिग ऑब्जेक्ट्स को हमने टिक किया है और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हमने क्रॉस नाउ आफ्टर लर्निंग बिग एंड स्मॉल लेट्स लर्न अबाउट शॉर्ट एंड टॉल तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो पिक्चर है आपके सामने आपको बताना है विच वन इज शॉर्ट एंड विच वन इज टॉल शॉर्ट मीन्स छोटा टॉल मीन्स लंबा सो विच पिक्चर इज शॉर्ट एंड विच इज टॉल तो यहाँ पे देख सकते हो एक कैमल है और एक डॉग है तो आप देखो कैमल कितना लंबा है एंड डॉग कितना छोटा है तो कैमल इज टॉल एंड द डॉग इज शॉर्ट नाउ लेट्स प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्न टिक टॉल ऑब्जेक्ट्स जो टॉल ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्या करना है टिक करना है तो चलिए जल्दी से देखते हैं यहाँ पे ये ट्री है जो कितनी लंबी है और यहाँ पे ये जो छोटा सा प्लांट है वो कितना छोटू सा है तो चलो जल्दी से टिक करते हैं विच वन टॉल दिस ट्री और दिस प्लांट सो दिस ट्री इज टॉल तो जल्दी से इसे टिक कर दिया नेक्स्ट सेकेंड वन सेकेंड पिक्चर देखेंगे यहाँ पे कैंगरू है जो इतना लंबा है एंड एक कैट है सो विच वन टॉल कंगारू और द कैट सो यस दिस कंगारू इज टॉल नेक्स्ट इज मींस मोटा जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो और थिन मीन्स पतला तो आप स्कूल जाते हैं आप बहुत सारी बुक्स और नोटबुक्स लेके जाते हैं लेके जाते हैं ना तो आपकी जो बुक्स होती है वो बहुत ही पतली पतली होती है मीन्स थिन होती हैं और जो कॉपीज होती हैं वो मोटी मोटी होती है मीन्स थिक होती हैं तो थिक मीन्स मोटी एंड थिन मीन्स पतला सो so यहाँ पे एक क्या है ये विच एनिमल इज दिस दिस इज हिप्पो हिप्पो कैसा है मोटा मींस थिक मोटा मींस थिक और यहां पे एक फॉक्स है जो कि है थिन पतला सा तो मोटा एंड पतला सो दीज आर थिक एंड थिन ना लेट्स ऑब्जर्व द थिक ऑब्जेक्ट देन ड्रॉ एंड कलर द थिन वन तो यहाँ पे एक थिक ऑब्जेक्ट बना है उसको देखना है और उसके जैसा ही थिन बनाना है तो मोटा दिया गया है पतला बनाना है तो यहाँ पे एक ट्री है जो क्या है देखिए कितनी मोटी है है ना और ऐसे ही अभी हमें एक और ट्री बनाना है जो होना चाहिए पतला सो लेट्स ड्रॉ द ट्री तो ये जो ट्री है इससे पतली है ना सो दिस इज थिन अगेन यहाँ पे एक बुक है देखिए कितनी मोटी बुक है कितने सारे पेजेस हैं तो बहुत सारे पेजेस होने की वजह से बुक काफ़ी ज्यादा थिक हो चुकी है अब हमें एक और बुक बनानी है जो कैसी होनी चाहिए इससे पतली होनी चाहिए तो हमने थोड़े से पेज वाली बुक यहाँ पे बना दी है सो लाइक दिस यू हैव टू मेक द बुक सो दिस इज थिन एंड दिस इज थिक नेक्स्ट इज हैवी And light. Heavy means भारी and light means हल्का तो आपने देखा है कुछ भारी चीज़ें या कुछ हल्की चीज़ों को जैसे कि पापा जब शॉपिंग करके लाते हैं तो बहुत सारा सामान होता है और सामान आपसे क्या उठ पाता है वो नो क्यों नहीं उठ पाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है भारी है और कुछ चीजें जो बहुत ही ज्यादा हल्की होती हैं जैसे कि चिप्स का पैकेट वो आप आसानी से उठा लेते हो सो so, वो चिप्स का पैकेट क्या है लाइट हल्की है तो हैवी मीन्स भारी एंड लाइट मीन्स हल्की तो यहाँ पे एक डॉल्फ़िन है कितनी बड़ी फिश है तो जितनी बड़ी फिश उतनी भारी होगी तो दिस फिश इज हैवी दिस फिश इज Heavy. अब पे एक दूसरी फिश है जो छोटी सी है तो ये छोटी है इसीलिए ये हल्की फुल्की सी है सो दिस फिश इज लाइट सो टेक द हेवी ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइट वन हैवी को करना है टेक और लाइट को करना है क्रॉस तो so, चली जली से देखते हैं यहाँ पे एक शू है जूते जो आप पहनते हैं ना और यहाँ पे एक सॉक्स हैं तो आप बताओ शूज ज्यादा हैवी होते हैं या सॉक्स ऑबियसली शूज हैवी होते हैं और सॉक्स होते हैं लाइट तो जल्दी से कर देते हैं हेवी को टिक और लाइट को क्रॉस सिमिलरली यहाँ पे एक पेड़ है तो पेड़ इज हैवी अब उस पेड़ का एक पत्ता हमने ले लिया तो पत्ता क्या होगा लाइट तो उसे कर दिया क्रॉस सिमिलरली यहाँ पे एक पंख है आपने देखा ना बर्ड के जो पंख होते हैं फेदर्स तो यहाँ पे एक पंख है और यहाँ पे बहुत सारे ईट हैं जिससे घर बनाते हैं तो विच वन इज हैवी दोनों में से कौन सा हैवी है पंख या फिर ईट तो ईट हैवी है और ये जो पंख है वो है लाइट सिमिलरली यहाँ पे दो टेबल रखी है एक बड़ी सी टेबल है और एक छोटा सा स्टूल है तो जल्दी से बताइए विच वन इज हैवी दिस टेबल और दिस स्टूल यस यू आर राइट दिस टेबल इज हैवी सो वी विल टेक इट एंड दिस स्टूल इज लाइट तो हम इसे क्रॉस कर देंगे नेक्स्ट इज नियर एंड फार नियर मींस पास फार मींस दूर तो नियर मतलब पास तो ये पेन कहाँ है मेरे पास है अब मैंने इसे दूर कर दिया मुझसे दूर चला गया सो फार दिस फार नियर फार तो सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे एक हट है जो नियर जो ये जो ट्री है वो हट के एकदम पास है आप देख सकते हो ना एकदम पास पास है ना सो दिस ट्री इज नियर द हट अब यहाँ पे एक और ट्री है ये कितनी दूर है इस हट से

So, this is the cloud which is near the tree, and here is the sun which is far away from the tree. So, this cloud is near, and this one is far. So, like this, you have to draw here. Next is in, out. So, children, in means kisi cheese ke andar. एंड आउट मीन्स किसी चीज़ के बाहर सो इन मीन्स अंदर एंड आउट मीन्स बाहर सो so यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ फ्रॉक्स हैं वो क्या कर रहे हैं पानी के अंदर हैं वो इंजॉय कर रहे हैं बट यहाँ पे कुछ फ्रॉक्स हैं वो पानी के बाहर हैं तो हम क्या बोलेंगे दीज फ्रॉक्स आर इन द प्ड फ्रॉक्स कहाँ हैं पॉन्ड के अंदर हैं सिमिलरली ये जो फ्रॉक्स है ये कहाँ है आउट ऑफ द पॉन्ट पॉन्ट से बाहर है तो इन द पॉन्ट आउट ऑफ द पॉन्ट अगेन इन द पॉन्ट एंड आउट ऑफ द पॉन्ट लेट्स एंडसर्कल द ऑब्जेक्ट विच इज आउट उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे सर्कल करेंगे जो कहाँ है बाहर है तो चलिए जल्दी से देखते हैं फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे जिसमें एक हाउस है और यहाँ पे भी एक बॉल है और यहाँ पे भी एक बॉल है अब जल्दी से मुझे बताओ आप कि बॉल बाहर है दिस वन और दिस वन सो जल्दी से आपने देखा क्या पता चला आपको यस दिस बॉल इज आउट तो इसे हम करेंगे सर्कल सिमिलरली यहाँ पे टू कैट्स हैं एक इस काउच के अंदर है और एक बाहर है सो विच वन इज आउट दिस स्मॉल कैट इज आउट ऑफ दिस काउच नेक्स्ट इज मैनी फ्यू मैनी मीन्स ज्यादा एंड फ्यू मीन्स थोड़ा सो so

लाइन्स को ज्वाइन करना है और बनाना को ड्रॉ करना है सिमिलरली हैव टू डू दिस तो आपने देखा ना यहाँ पे कितने बनाना है टू एंड देन आफ्टर हेफ यू हैव टू कलर इट सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मैंगोज हैं यहाँ पे कम है सो यू हैव टू ट्रेस दिस एंड देन यू हैव टू कलर देम सिमिलरली विद द टमैटोस टमेटोज को भी आपको ट्रेस करना है यहाँ पे मैनी है एंड यहाँ पे कम है देर आर टोटल थ्री एंड सेवेन टोटल सेवेन एंड ईयर यू कैन सी देर आर ओनली थ्री सो यू हैव टू ट्रेस दैम एंड कलर दैम सिमिलरली यू हैव टू ट्रेस द फिशेज एंड कलर दैन सो चिल्ड्रेन विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चाप्टर ऑफ डिफरेंसीएशन आई होप यू आर एबल टू मेक डिफरेंस बिटवीन These objects, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.